नमस्कार मित्रों, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से संबंधित कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी सामर्थ्य तथा शक्ति पावर बहुत असीमित है। वर्तमान के इस विषम परिस्थिति संकट के समय में हमें गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, ये हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का मंत्र है। गायत्री मंत्र आप एक माला करें, समय नहीं हो तो 24 बार करें, और समय हो तो एक माला 11 माला जैसी अपनी सामर्थ्यता है। घर में सभी सदस्य कम से कम 11 बार तो कर सकते हैं। इसी के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करेंगे तो बहुत लाभकारी होगा हमारे घर परिवार के लिए भी, हमारे शहर प्रदेश और देश के लिए भी। कल 31 तारीख और 1 जून को पूरे विश्व में गायत्री मंत्र का जाप किया जाएगा भक्तों द्वारा। उसी में आप लोग भी यदि अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा और उत्तम फल की प्राप्ति होगी, और हम इस विषम परिस्थिति में कोरोना के संकट से निजात पा जाएंगे। सर, गायत्री मंत्र की एक माला, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला आप सभी लोग करें, यह मेरा करबद्ध निवेदन है। इसमें कोई स्वार्थ वाली बात नहीं, सभी के लिए यह फलदायी लाभकारी होगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले सप्त श्लोक की दुर्गा दी गई हुई, 7 श्लोक की दुर्गा। पूरे सप्तशती का पाठ यदि किसी व्यक्ति को करने में असुविधा हो, समय ना हो, तो वह इन 7 श्लोक वाली सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकता है। इससे उसको वही फल प्राप्त होगा जो पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि आप श्रद्धा और समर्पण के साथ उसका पाठ करें। उसमें न्यास दिया है, उसके बाद श्लोक दिए हैं 7। यदि आप इन सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ विधान उसका एक क्रिया है उसके अनुसार यदि करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, अनंत गुना कोटि फल प्राप्त होगा। तो विधि यह है कि 7 श्लोक हैं, इनको आप 700 बार, यदि दुर्गा सप्त श्लोकी का 700 बार पाठ करते हैं, आप एक विधान बना लें कि एक दिन में 100 पाठ कर रहे हैं तो 7 दिन में 700 पाठ हो जाएंगे, दशांश हवन के हिसाब से 70 पाठ और करें। इस प्रकार 770 बार यदि आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा और आप इसको किसी भी प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकते हैं, किसी समस्या के निदान के लिए, रोगों के निदान के लिए, किसी विषम परिस्थिति के निदान के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं सिद्ध करने के बाद। सामान्य परिस्थिति में भी आप इसको इसका पाठ करेंगे तो भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज आपको इतनी जानकारी दी गई है, इससे आप गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र करें और दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करें,
और इसको सिद्ध करने की विधि बताई है, जिसको आपने पहले नहीं सुना होगा, किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि यह सप्तश्लोकी दुर्गा 770 बार पाठ करने से एक विधान के अनुसार सिद्ध हो जाती है और सिद्ध होने के बाद इसका प्रयोग किया जा सकता है। नमस्कार, जय माता दी, जय गढ़कालिका का।